Can anybody out there hear me? Hear me? Dear students, जैसे कि मैं आपको graph theory पढ़ा रहा हूँ, ये graph theory के ऊपर next lecture है, और मैंने last lecture में आपको एक problem दी थी, draw the graph of fx is equal to modulus x minus 1 और पूरे के ऊपर modulus. अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है. ये एक बार आईआईटी के एग्जाम में भी पूछा गया. जो भी क्वांटिटी ये मॉड के अंदर लिखी हुई है, आप इसको y के इक्वल पुट कर दीजिए. लेट y इज इक्वल टू माइनस द क्रिटिकल पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो. जो हमने बताया कि था कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी होती है उसको जीरो पुट कर देते हैं और सॉल्व करके जो आएगा दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल x is equal to g. आप यहां पर दो केस में कंडीशन के लिए मॉडुलस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा. इस कंडीशन के लिए एक्स. अब हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं. इसका ग्राफ बनाने के लिए ये वाली प्रॉब्लम आपके एक्टिविटी में भी काम आ सकती है. एक्स वाई एक्स और y की वैल्यू
ये डॉटेड लाइन बन गई। इट इज द परफेक्ट, ये इसकी डॉटेड लाइन बन गई। अब देखिए इसके बाद इस ग्राफ को बनाना चाहिए। हमने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी वाई इज इक्वल टू पॉइंट हो गया वन जीरो। ये ग्राफ और ये लाइन मुझे बनानी कब है, एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखिए इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट लीजिए एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स y is equal to 1 plus x.
numerically, y is equal to 1 plus x. आपने जो इस ग्राफ में इक्वेशंस लिखी हैं, these are free from what? तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। ये लिखा हुआ है modulus x minus 1 modulus। मैं इस फंक्शन को मॉडिफाई करना चाहता हूं, मोड फंक्शन से ब्रेक करना चाहता हूं। सबसे पहली इक्वेशन ये है, इसके सामने देखिए माइनस एक्स माइनस वन, इसके उसके बाद इक्वेशन है एक्स प्लस वन, भाई वन प्लस एक्स लिखा हुआ एक्स प्लस वन, उसके बाद इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वन, उसके बाद इक्वेशन है एक्स माइनस वन। मैंने एक्स पहले लिख दिया कॉन्स्टेंट टर्म बाद में, सबने ऐसा कर लिया। अब देखिए ये लाइन तब होगी जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी, इसके सामने देखो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, इसके सामने देखिए इस टाइम की क्वेश्चन कब है जब एक्स की वैल्यू माइनस वन और जीरो की माइनस वन और जीरो के बीच में, फिर एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में, एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में, फिर एक्स की वैल्यू वन से बड़ी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। भले आपने अभी तक इंटीग्रल ना पढ़ा हो, माइनस टू से प्लस टू, ये ठीक हमें माइनस टू से प्लस टू, तो ये और ये अब आप देखिए अगर मैं इस वैल्यू माइनस ये सभी एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सबका सेम होगा, वाई से भी आप निकाल सकते हैं। अरे भाई एक्स की वैल्यू टू रखो तो वाई की वैल्यू वन, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया टू कॉमा वन, ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस टू कॉमा
था, बेस भी वन है और हाइट भी वन है, तो दैट विल बी इक्वल टू टू. वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज टू. अगर आपको ये पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. और ये मैं समझता हूं आईआईटी इस एग्जाम के लिए एंड इट इज वेरी हेल्पफुल. कितने बढ़िया प्रॉब्लम है इंटीग्रल समझने के लिए करना पड़ा, बिना इंटीग्रल पढ़े आते हैं. हर डेफिनेट इंटीग्रल एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा. थैंक यू.